Hello and welcome to JK Civil Services. दोस्तों आर्ट एंड कल्चर हमने स्टार्ट किया था. आर्ट एंड कल्चर में हमने एक टॉपिक देखा डांसेस, ठीक है, डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हमने कश्मीरी के डांसेस देखे, जम्मू के डांसेस देखे. नाउ आज हमने पढ़ना है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर. आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर मतलब ये है कि जो डिफरेंट आइटम्स अपने हाथों से बनाते हैं, जो ट्रेडिशनली हमारे आर्ट्स चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा पश्मीना है, कारपेट है, ठीक है, और देखेंगे आप देख वुड कार्विंग है, और बड़े सारे ऐसे क्राफ्ट्स हैं जो हम देखेंगे. आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है. ये डांसेस भी हमने देखे जी, कश्मीर के डांसेस कौन कौन से हैं, जैसे कि रॉफ है, हाफिज नकबा है, बच्चा नकबा है, धुमाली है, देन उसके बाद में हमने देखा हिक्कत है, वेगी नाचुन है, जम्मू में देखा हमने कुद डांस है, हिरे डांस है, गित्रू डांस है, इस तरीके के डिफरेंट डांसेस देखे. यहाँ से भी आपको सवाल पूछे जाते हैं. नाउ स्टार्ट करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट. देखो जब भी जम्मू एंड कश्मीर के आर्ट एंड क्राफ्ट की बात चलती है ना, तो उसमें पहला जो नाम आता है वो आता है हमारे शॉल्स का. जम्मू एंड कश्मीर के शॉल्स आपको पता वर्ल्ड फेमस है, इंडियन फेमस नहीं है, वर्ल्ड फेमस शॉल है कश्मीर के, और सबसे टॉप कैटेगरी ऑफ शॉल जिसे हम बोलते हैं पश्मीना. इसे हम क्या बोलते हैं, पश्मीना. देखो जब भी हम शॉल्स की बात करते हैं, वैसे तो आपको पता है शॉल्स, पश्मीना का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, कश्मीर वाले बच्चों ने बाकी का नाम भी सुना होगा, लेकिन शॉल्स कोई एक कैटेगरी का शॉल नहीं बनाया जाता है कश्मीर में, डिफरेंट वराइटीज़ के शॉल्स बनाए जाते हैं, ठीक है. और ये डिफरेंट वराइटीज़ क्या है, बेस्ड ऑन देयर फैब्रिक, उसका फैब्रिक किस कहाँ से आ रहा है, ठीक है, उस बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के शॉल्स आपको देखने को मिलेंगे. चले हम देखते हैं कुछ शॉल्स, टाइप्स ऑफ शॉल्स, ठीक है. चलो जी, नंबर वन शॉल आपको पता ही है पश्मीना. क्या है, पश्मीना शॉल, ठीक है. पश्मीना शॉल जो बनता है आप देखेंगे, ये एक गोट के जो आप देखेंगे ऊपर जो बाल होते हैं, जो हेयर होते हैं, वो गोट कौन सी है, चांगतंग गोट, ठीक है जी. ये चांगतंग गोट आपको ज्यादातर ये तिब्बत में देखने को आपको मिलती है, तिब्बत के इलाके, लद्दाख के इलाके में देखने को मिलती है. और ये पश्मीना का आर्ट भी इंडिजीनियस आर्ट नहीं है, ये आप देखेंगे किसके टाइम पे, किंग जैनुल आबिदीन बड़शाह, ये नाम आपको याद रखना है, जैनुल आबिदीन, ठीक है जी. जैनुल आबिदीन ऐसा नाम है, आर्ट एंड क्राफ्ट इन जम्मू एंड कश्मीर में, मेनली कश्मीर में, जम्मू में तो नहीं, कश्मीर में इनका नाम टॉप नाम है ये, ठीक है, टॉप नाम है, ठीक, याद रखना है, सबसे बेस्ट किंग जो है कश्मीर हिस्ट्री के जो हुए हैं, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट किंग्स में से एक नाम आपको जैनुल आबिदीन का देखने को मिलता है, बड़शाह इनको बोलते थे. इन्होंने कश्मीर के आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत काम किया, आर्किटेक्चर बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बिल्ड किया, क्राफ्ट्स उन्होंने ज़्यादा ही कुछ ज़बरदस्त बिल्ड किया, तो पश्मीना उनमें से एक था. ये आर्ट जो है ये तिब्बत को बिलोंग करती है, और ये तिब्बत से कश्मीर में इनके टाइम पे आई, बाकायदा लाई गई, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा, ठीक है. पश्मीना ऐसा ही एक शॉल होता है शातोस. क्या होता है, शातोस, शातोस शॉल जो है आप देखेंगे इसको रिंग शॉल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रिंग शॉल भी बोलते हैं, ठीक है. रिंग शॉल इसलिए बोलते हैं बिकॉज जिस फैब्रिक से ये बनता है, ठीक है, फैब्रिक से बनता है, वो इतना स्मूथ फैब्रिक होता है कि एक छोटी सी रिंग जो होती है ना, इससे भी अगर आप शॉल निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा इससे गुजर जाएगा, यानी कि कितना सॉफ्ट होगा वो आप खुद ही समझ सकते हैं, एकदम मखमल, एकदम बहुत ज्यादा सॉफ्ट, एक रिंग में से निकल जाएगा, इसलिए इसको रिंग शॉल बोलते हैं. शॉल के कैटेगरी में सबसे एक्सपेंसिव शॉल आपका शातोस ही है. अब ये बनाया कहां से जाता है, ये बनाया जाता है तिब्बतन एंटेलोप, ठीक है जी. तिब्बतन एंटेलोप आपको बताता हूँ, एक हिरन होता है तिब्बत में, आपको मिलता है हिरन, हिरन के ऊपर जो बाल होते हैं वो निकालने के बाद उससे ये फैब्रिक तैयार होता है शातोस, ठीक है. ऐसा ही एक और तीसरी कैटेगरी का शॉल होता है, इसको बोलते हैं रफाल या रफेल, ठीक है. चलो जी, और ये मेरीनो शीप के फाइबर से मिलता है, ठीक है जी, मेरीनो शीप के फाइबर से, ठीक है. तो एक आ गया गोट के फैब्रिक, गोट से मिलता है इसका फैब्रिक, दूसरे से मिलता है तिब्बतन एंटेलोप से, और तीसरे का मिलता है शीप से, डिफरेंट एनिमल से
फैब्रिक मिलता है। ये रिसेंटली सवाल पूछा गया था कि पश्मीना जो शॉल है, पश्मीना शॉल जो है उसका जो फैब्रिक है ये किस एनिमल से लिया जाता, तो वो चांगतंग गोट थी उसका आंसर था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, एज इट इज सवाल आपको पूछा जाएगा, बाद में नहीं बोलना फिर। चलो जी, अभी हम थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। शॉल, शॉल आपको बताइए, पहला शॉल आ गया पश्मीना, वर्ल्ड फेमस शॉल मेड फ्रॉम वूल ऑफ कैल गोट, कैल भी बोलते हैं इसको, या फिर चांगथांग गोट। ठीक है जी, तिब्बत का आर्ट है, तिब्बत से कश्मीर में आया था जैनुल आबदीन के टाइम पे। शातोस, ऑल्सो नोन एज रिंग शॉल मेड फ्रॉम द फैब्रिक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम तिब्बतन एंटेलोप, अभी इमेज भी दिखाता हूँ। अगला है आपका कन्नी शॉल, कन्नी शॉल क्या मतलब, ये वुडन स्टिक से ये जो शॉल्स बनते हैं उसको कन्नी बोलते हैं, तो इसलिए कन्नी शॉल्स। ठीक है, रफाल शॉल मेरीनो शीप से इसका जो फैब्रिक है वो मिलता है हमें। ठीक है, किंग जैनुल आबदीन प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन शॉल इंडस्ट्री, नो डाउट इनसे पहले भी शॉल्स का काम थोड़ा बहुत हो रहा था, लेकिन इनके टाइम पे जो वो फ्लरिश हुआ वो तगड़ा नाम है। अगर कभी भी आपको नाम का जिक्र आ गया इन रिस्पेक्ट टू शॉल्स, तब आप जैनुल आबदीन का नाम आंखें बंद करके वहां पे लगाएंगे। ठीक है, चलो जी ये देख लें जी, ये आ गया जी आपका पश्मीना, ये आ गया आपकी चांगथंग गोट, केल गोट भी जिसे आप बोल सकते हैं, और ये आपको दिखाई दे रहा है तिब्बतन एंटेलोप, हिरन यानी कि। ठीक है, चलो जी अगला है आर्ट है हमारे पास, अगेन वेरी फेमस आर्ट, कारपेट्स, कारपेट्स। ठीक है, बैठने में हम देखेंगे, बिकॉज कश्मीर वालों को तो पता है, जम्मू वालों को शायद थोड़ा सा कम पता होगा, या मे भी पता होगा। देखें कश्मीर में आप देखेंगे कारपेट्स जो है ये बहुत ज्यादा यूज में होता है, बिकॉज पीपल यूज टू सिट ऑन द फ्लोर, ज्यादातर फ्लोर पे ही बैठते हैं, खाना वाना भी फ्लोर पे बैठ के खाते हैं, तो कारपेट्स का यूज बहुत ज्यादा होता है, कारपेट्स का यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो कई तरीके के कारपेट्स आपको ये देखने को मिलेंगे, नमाज के लिए भी कारपेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कारपेट्स की इंडस्ट्री भी कश्मीर में बहुत तगड़ी है, और कारपेट्स की आप देखेंगे दो कैटेगरी बहुत फेमस मानी गई है, एक तो होता है आपका नामदा, दूसरा होता है आपका गाबा, नामदा एंड गाबा। आपको बस इतनी सी बात पूछ लेगा वो, नामदा एंड गाबा आर द वराइटीज ऑफ, किस चीज की वराइटीज हैं, आप बोलना ये किसकी वराइटीज हैं, ये कारपेट्स की वराइटी है। चलो जी, गाबा जो है इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओल्ड वुलन विद वराइटी ऑफ डिजाइन, ओल्ड वुलन मतलब जो पुराने आपके जो कंबल वगैरह होंगे, देन उनको ही आप देखेंगे उसमें थोड़ी सी एडिशन करके, उसमें निटिंग वगैरह करके, एम्ब्रॉयडरी करके आपका गाबा बनाया जाता है, और आपका हो गया नामदा। नामदा अगर आप देखेंगे चेन स्टिच रग प्रिपेयर्ड ऑन द हैसिनियन क्लोथ, एक काइंड का क्लोथ होता है आपका हार्ड, ओवर विच फ्लोरल एंड अदर मोटिव्स आर मेड, जिसमें फ्लावर डिजाइनिंग और बाकी तरीके के किस्म के डिजाइन जो है बनाए जाते हैं, और इसमें एक हुक का यूज होता है इनको बनाने में, ओरा बोलते हैं। मे बी मेरी प्रोनंसिएशन एग्जैक्ट सेम ना हो तो आप मेरी प्रोनंसिएशन जरूर करेक्ट भी कर सकते हैं, मेरे को बता भी सकते हैं। ठीक है जी, इस हुक का यूज होता है, और यहाँ पे मैंने नी लगाई है, आप उसको सर्च करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एम्ब्रॉयडरी ना हमारे हिंदुस्तान के डिफरेंट एरियाज में की जाती है, तो उनमें से एक फेमस एम्ब्रॉयडरी जो है वो कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी है, जिसे कसीदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर कॉल्ड कसीदा, ये वर्ल्ड फेमस आर्ट है एम्ब्रॉयडरी, और ये ज्यादातर एम्ब्रॉयडरी आपको कहाँ पे देखने के, जो फेरन डालते हैं कश्मीर में लेडीज, यहाँ पे आप देखेंगे गोल्डन सिल्वर कलर का वर्क होता है, और यहाँ पे कफ्स के ऊपर भी आप देखेंगे पैच लगाए जाते हैं, ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है गोल्डन और सिल्वर थ्रेड में, कसीदा इसको बोलते हैं इस आर्ट को। चलो जी, तिल्ला वर्क, तिल्ला वर्क क्या है, अ स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क इन्वॉल्विंग यूज ऑफ गोल्ड और सिल्वर थ्रेड, जिसे जरी भी बोलते हैं। यहाँ पे जो गोल्डन और सिल्वर थ्रेड लगाते हैं, ठीक है, कभी सूट बेचने वाले आएंगे वो बोलेंगे जी मैम ये बहुत महंगा सूट है, इसके ऊपर जरी का वर्क हुआ है, जरी मीन्स वो थ्रेड। ठीक है जी, वो थ्रेड जिसे आप तिल्ला वर्क भी बोलते हैं, याद रखना तिल्ला वर्क क्या है, वो थ्रेड वर्क यूज जो एम्ब्रॉयडरी का होता है वो तिल्ला, ये जरी का काम उसको बोलते हैं। चलो जी, जरी या फिर टिल्ला ये क्या है, एक किस्म का थ्रेड है गोल्डन और सिल्वर कलर का। आगे डन ऑन फेरन्स एंड शॉल्स पे ये एम्ब्रॉयडरी आपको देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है हमारे पास वुड कार्विंग। ऑफ कोर्स अगर आप कश्मीर में, कश्मीर वाले बच्चों को तो पता है, बाकी जो बच्चे हैं आप देखेंगे कश्मीर में जब आप जाएंगे आपको ऐसे बड़े सारे वुडन आर्ट्स एंड क्राफ्ट देखने को मिलेंगे जिसके ऊपर आप देखेंगे कार्विंग हुई। आप डल लेक में बैठे, आप डल लेक में बैठे तो आप देखेंगे हाथ से कार्व्ड हुई चीजें आपके सामने, वो किश्ती में बैठे वो लोग लेके आएंगे, बोट में बैठे लेके आएंगे, आपको सेल करेंगे। आप देखें डिफरेंट तरीके की, एक इमेज मैंने यहाँ पे लगाई है, ये एक बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स है, बॉक्स में आप कुछ भी रख सकते हैं अपने, कुछ पेंसिल रख सकते हैं, डिफरेंट आइटम्स रख सकते हैं, कुछ भी रखें। और ये अगर आप बॉक्स देखें इसके ऊपर चिनार के पत्ते बने हुए हैं, ठीक है, चिनार का पत्ता आपको पता है कश्मीर का एक सिंबल है इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपको वहाँ पर मिलता है। ये देखें यहाँ पत्ते चिनार के, तो ये फ्लोरल डिजाइन्स बने हुए हैं चिनार के पत्ते, ठीक है। तो आप देखेंगे वुड कार्विंग भी कश्मीर की बड़ी फेमस है। कॉटेज इंडस्ट्री है कश्मीर की, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब ये है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, छोटे छोटे लेवल पे, घरों के लेवल पे ही लोग डिफरेंट आइटम्स को बनाते हैं, छोटी हैं। मेनली डन ऑन वॉलनट एंड चिनार वुड, ज़्यादातर अखरोट की जो लकड़ी होती है उसका यूज़ करते हैं, या चिनार की जो लकड़ी होती है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है जी। कार्व्ड वुड इज़ यूज्ड इन फर्नीचर, बॉक्सेस एंड अदर आर्टिकल्स, आप देखेंगे चेयर्स बनती हैं, ट्रेस भी बनती हैं, ये डिफरेंट बॉक्सेस बनते हैं, कई सारे आइटम्स बनाई जाती हैं इसकी। और ज़्यादातर जो डिज़ाइंस हैं, जो डिज़ाइंस का थीम जो रहता है आपका ज़्यादातर, वो चिनार के पत्ते और फ्लावर्स रहते हैं, ज़्यादातर चिनार के पत्ते और डिफरेंट फ्लावर्स होंगे वुड कार्विंग, याद रखेंगे। अगला है खातमबंद। खातमबंद ये थोड़ा सा अनयूजुअल, आपने नाम भी नहीं शायद सुना होगा। खातमबंद क्या है? द आर्ट ऑफ मेकिंग सीलिंग। आज जब हम घर बनाते हैं, जब भी हम घर बनाते हैं तो घर बना के हम क्या करते हैं, सीलिंग्स करवाते हैं, ठीक है जी। वो पीवीसी सीलिंग्स होती हैं, ठीक है जी। वो कैसे जो प्लास्टिक की सीलिंग्स कराते हैं, कई लोग पीओपी की भी सीलिंग्स आजकल करवाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कश्मीर में ट्रेडिशनली भी आर्ट ऑफ मेकिंग सीलिंग्स ये चलती है। ये आप इमेज देखें, सबसे पहले पहले तो आप ये इमेज देखें, दिख रही है इमेज, ये कितनी ब्यूटीफुल सीलिंग, सीलिंग मतलब छत, कमरे की छत जो है ये तैयार की गई है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें छोटे 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 लकड़ी के जो डिजाइन है, ये लकड़ी है पूरी, याद रखेंगे ये छोटे छोटे लकड़ी के डिजाइन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। चलो जी, इसी को बोलते हैं खातमबंद, खातमबंद, ठीक है जी। स्मॉल पीसेस ऑफ वुड, जियोमेट्रिकल डिजाइन, जियोमेट्रिकल डिजाइन मतलब कहीं पे ट्राइंगल है, कहीं पे सर्कल है, ठीक है, आर फिटेड, छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के फिट किए जाते हैं। और जो लकड़ी का यूज किया जाता है वो चिनार और देवदार की लकड़ी का यूज किया जाता है। खातमबंद, आप सिंपल सी इतनी सी बात क्या, खातमबंद इज एन आर्ट रिलेटेड टू मेकिंग सीलिंग्स, सीलिंग्स छत बनाई जाती है खातमबंद। अगला इंपॉर्टेंट आर्ट है हमारे पास कंडकारी। दोस्तों कश्मीर में जब भी आप जाएं, कभी आप जाएंगे जम्मू वाले, ठीक है, कश्मीर वालों को तो पता ही है, वहां पे आप देखेंगे एक डिफरेंट तरीके के ही बर्तन का यूज किया जाता है खाने पीने के लिए, ठीक है जी। या फिर फेमस आपने वहां पे एक टी कैटल तो जरूर देखी ही होगी, ठीक है जी, जो सिल्वर, ठीक है, सिल्वर या फिर कॉपर कलर के आपके देखनी होगी, ठीक है। वो जो आर्ट है कॉपर वेयर बनाने की, तांबे के बर्तन बनाने की, इवन बीच में सिल्वर के बर्तन बनाने की, इसको बोलते हैं कंडकारी। क्या बोलते हैं? कंडकारी, आर्ट ऑफ कंडकारी। कंडकारी इज नथिंग बट द कॉपर यूटेंसिल्स, कॉपर के बर्तन बनाने, ये आपकी कंडकारी है, ठीक है, ये देख लें आप जी। चलो जी, कंडकारी इज एन एक्सक्लूसिव क्राफ्ट इन कॉपर वेयर, ये मैंने पिक्चर लगाई हुई है कॉपर वेयर, ये देख लें आप, ये समोवर है, समोवर मतलब टी कैटल, चाय इसमें सर्व की जाती है। चलो जी, कॉपर वेयर ऑल्सो नोन एज त्राम इन कश्मीर, ठीक है जी। चलो जी, मोस्ट फेमस वर्क इज कश्मीरी समोवर टी कैटल, ठीक है जी, एंड यूज टू प्रिपेयर कहवा नून चाय, ठीक है जी, जो यूजल आपको देखने को मिलती है कश्मीर में, कहवा बनाया जाता है उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए जाते हैं, और चाय जो है जिसे हम कश्मीरी चाय भी बोल देते हैं, देसी चाय भी बोल देते हैं, वो इसमें प्रिपेयर और सर्व की जाती है। कंडकारी आर्ट, याद रखेंगे कंडकारी आर्ट। चलो जी, अगली आर्ट हमारे पास पेपर मैश। पेपर मैश नाम से ही पता लग रहा है, पेपर, इट इज रिलेटेड, दिस आर्ट इज रिलेटेड टू द पेपर।
पेपर को वाक्य में मैश कर दिया जाता है। देखो पेपर क्या, फॉर एग्जाम्पल कभी आपने देखा होगा कि जो अंडे होते हैं, अंडे अंडे की जो ट्रे होती है नीचे, अंडे की जो ट्रे होती है जिसमें अंडे रखे होते हैं दुकान में, वो जब हम लेके आते हैं, वो अंडे की ट्रे किससे बनी हुई है? वो अंडे की ट्रे बनी है पेपर से, ठीक है? वो किससे बनी हुई है? पेपर से। उसको पानी में भिगो होगा ना, देखेंगे उसके ऐसे ऐसे पूरे के फाइबर निकल जाएंगे, वो पूरा पेपर बन जाएगा, गल जाएगा पूरा, ठीक है? तो यही एक आर्ट है, ये पेपर मैश की आर्ट है। पेपर मैश आर्ट क्या करता है, पेपर को पिघला के मतलब क्या, उसको तोड़ के पानी में सिखोया जाता है, उसको डिप कर दिया पानी में, पानी में डिप करने के बाद वो अलग अलग होना स्टार्ट होगा, देन उसको निकाल के, ठीक है, वो जो मटेरियल तैयार होगा उसमें डिफरेंट ग्लूज वगैरह ऐड करके, कुछ लकड़ी वकड़ी भूसा वगैरह ऐड कर दिया जाता है थोड़ा हार्डन करने के लिए, ग्लूज ऐड कर दिए जाते हैं, देन उसको डिफरेंट मोल्डिंग्स में बनाया जाता है, मोल्डिंग में डिफरेंट शेप्स में उसको ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है? और जब वो सूखता है तो वो हार्ड उसी शेप का बन जाता है, देन उसके ऊपर पेंटिंग्स की जाती है, वो भी हाथ से, हाथ से डिफरेंट पेंट किया जाता है। और ये कश्मीर का बहुत फेमस आर्ट है पेपर मैश। ये आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है एलिफेंट, एक टॉय है, ठीक है, एलिफेंट दिख रहा है, ये आपको एक दिख रहा है ऊपर दिख रहा है, ये पेन होल्डर, ठीक है? ऐसे ही ट्रेज बनाए जाते हैं, ट्रेज बनाए जाते हैं, घोड़ा बना दिया, हाथी बना दिया, कई डिफरेंट टॉयज बना दिए, ठीक है, पेन होल्डर बना दिए, बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, ये आर्ट है पेपर मैश, बड़ी कलरफुल आर्ट है, सारा का सारा काम हाथ से होता है, पूरी की पूरी पेंटिंग हाथ से की जाती है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से की जाती है, ठीक है जी? चलो जी, पेपर मैश इंडस्ट्री का भी जो क्रेडिट है ये जैनुलाब्दीन साहब को जाता है, ठीक है जी? तो आप देखिए, उन्होंने बहुत सारे आर्ट को जो है इंट्रोड्यूस करवाया कश्मीर में, जैसे कि आप देखें कारपेट मेकिंग, शॉल मेकिंग, वुड कार्विंग, एम्ब्रॉयडरी, ये सारे इनके टाइम पे फ्लरिश हुए बहुत तगड़े लेवल पे। चलो जी, इट इज मेड विद द पल्प ऑफ पेपर एंड एडहेसिव्स। एडहेसिव्स हैं आपके ग्लूज, नहीं होते हैं जो ग्लूज, ठीक है? चलो जी, डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस आर्ट को कारे कलमदानी भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कारे कलमदानी, बिकॉज इनिशियली जब ये आर्ट स्टार्ट हुई ना, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कलमदान ही बनाए जाते थे। कलमदान मीन्स पेन होल्डर, क्या है पेन होल्डर, इसमें पेन रखा जाता है, कारे कलमदानी, तो इसको क्या बोलते हैं, कारे कलमदानी, तो नाम ही चल गया कारे कलमदानी, पेपर मैश इंडस्ट्री। चलो जी, अगला है हमारे पास वीकर वर्क। वीकर वर्क मतलब होता है पेड़ की पत्तियां वत्तियां लेके, उनकी ब्रांचेस लेके डिफरेंट आइटम्स बनानी। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें मैं आपको बताऊंगा तो कांगड़ी, आप सभी ने कांगड़ी देखी है, कांगड़ी हमें पता है ऐसे बीच में एक पॉट जैसा लगा होता है जिसमें हम लोग कोयला वगैरह रखते हैं और सर्दी में उसको सेकते हैं कश्मीर में, ठीक है जी? कांगड़ी होता है, वो कांगड़ी के ऊपर आप देखेंगे वो जो लकड़ी छोटी छोटी ब्रांचेस का यूज किया गया है, उसी को हम बोलते हैं वीकर वर्क, ठीक है जी? क्या बोलते हैं, वीकर वर्क, ठीक है? कश्मीर में आपको एक पेड़ देखने को मिलता है वेरी फेमस, विलो, विलो ट्री, ठीक है? विलो ट्री के बैट भी बहुत बनते हैं विलो, ठीक है? चलो जी, तो विलो बुशेस जो हैं उनकी टहनियां जो हैं, दैट ग्रो प्लेंटीफुल इन मार्शेस लेक्स ऑफ कश्मीर, डिफरेंट दलदली इलाके में, लेक्स में ये आपको देखने को मिलेगा ट्री, ठीक है जी? चलो जी, इससे कई सारी आइटम्स बनाई जाती हैं, जैसे कि आपकी बास्केट्स बना दी, लैम्प शेड्स बना दी, टेबल्स बना दिए, चेयर्स बना दी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी सारी आइटम है, ये आपका आ गया जी लैम्प टाइप आ गया, बल्ब लगाएंगे इसमें, ठीक है? ये आपकी एक ट्रे बन गई, ये नीचे आपकी कांगड़ी पड़ी हुई है, ठीक है? इस तरीके की आइटम्स बनाई जाती हैं, ये है विकर वर्क, ठीक है? कौन सी टहनी यूज होती है, विलो ट्री की, ये याद रखना आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट विकर वर्क जो है वो है कांगड़ी, वो है कांगड़ी, कांगड़ी आपको पता ही है क्या होता है। चलो जी, इसके बाद है विलो क्रिकेट बैट, ठीक है जी? कश्मीर में क्रिकेट बैट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है जी? बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इवन अगर आप देखेंगे कश्मीरी विलो इज यूज टू मेक नियरली 90% ऑफ क्रिकेट बैट्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी क्रिकेट बैट्स यूज होते हैं उसका 90% जो है वो विलो ट्री से ही यूज होता है, जो कश्मीर में आपको देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हमारे यहाँ पे तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, जो आप जो जम्मू में रहते हैं उनको भी मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे रघुनाथ मार्केट जो हरी मार्केट है वहां पे भी चले जाएंगे, बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा बैट्स की दुकान है, लोग आते हैं इंडिया से
पूरे के पूरे यहां से बैट खरीद के लेके जाते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। चलो जी, द एपिसेंटर ऑफ विलो क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज संगम। संगम एक इलाका है श्रीनगर के पास, लगभग 40 किलोमीटर पे। यहाँ पे आपको बड़ी इंडस्ट्री देखने को मिलती है बैट की। तो आपको बस ये याद रख लेना, एक तो टर्म संगम याद रख लेना, संगम गांव है, और विलो पेड़ कौन सा यूज हो रहा है, विलो की लकड़ी यूज हो रही है, ठीक है। चलो जी अगला, अभी ये कश्मीर की आर्ट्स थी, अभी जितनी भी आर्ट्स देखी ये सब कश्मीर की आर्ट्स थी। नाउ अभी हम दो चार आर्ट्स हो रहे हैं हमारी, जो कि जम्मू की आर्ट्स है। जम्मू की आर्ट्स में पहली आर्ट है फुलकारी। आज ये यूजुअल आपको ना के बराबर ही देखने को मिलती है आजकल फुलकारी। यार क्या है फुलकारी, इट्स अ स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी, कुछ नहीं है एम्ब्रॉयडरी। आप देखेंगे शायद आप में से कई लोगों को पता होगा, जम्मू में रहते हैं उनको जरूर पता होगा, ठीक है। हमारी दादी लोग क्या करती थी, कोई भी ऐसी प्लेन चुन्नी वुन्नी लाएंगी, उनके ऊपर अपने हाथ से ही या हैंकी के ऊपर कुछ डिजाइन बनाते, कुछ पत्ते का डिजाइन, कुछ मोर का डिजाइन। वो जो आर्ट है वो खुद ही घर पे बैठ के जो आर्ट बनाते हैं, वो जो एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फुलकारी बोलते हैं। आजकल पंजाब में गाना भी आता है, कौन सा गाना है वो, तेरी लैके फुलकारी मैं बुक्कल मार लूं, कुछ ऐसा गाना होगा। तो वो फुलकारी मीन्स आप चुन्नी मत समझ लेना, कि वो फुलकारी का मतलब वो जो चुन्नी है वो शॉल है, फुलकारी वो नहीं होती। फुलकारी इज एम्ब्रॉयडरी, जो एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है ये जम्मू में भी आपको देखने को मिलता है, आज नहीं होता, आज आपको ये वर्क नहीं देखने को मिलता। इट इज द क्राफ्ट ऑफ जम्मू, स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, फ्लोरल डिजाइन, ठीक है जी, पत्तियों वत्तियों का डिजाइन है, और ये पर्सनल यूज में होता है, बेचने के लिए इसको यूज नहीं किया जाता था, आज तो है ही नहीं, खत्म ही है, ठीक है। ये डिजाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पीस ऑफ पेपर, ये क्लॉथ का पीस के ऊपर ये आपको फूल बनाए हुए हैं, ठीक है। चलो जी अगला चलते हैं। अगला है हमारे पास बिन्ना वर्क। बिन्ना वर्क, ठीक है जी, बिन्ना वर्क ऑफ किश्तवाड़, ठीक है, बिन्ना ना बोल के आप इसको स्ट्रॉ वर्क ऑफ किश्तवाड़ भी बोलें। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ समझते हैं, ये स्ट्रॉ कौन सी बात है, देखो जब हमारे पास वीट होती है ना, वीट, वीट गेहूं लगाते हैं, वीट के जब दाने हम निकाल लेते हैं तो बचता जो भूसा उसका जो बचता है, उसकी वो जो आप कह सकते हैं कि वो जो लकड़ी, लकड़ी तो नहीं होती, घास टाइप जो वो बचता है, उसको आप देखेंगे एक आर्ट से डिफरेंट उसको बांध बांध के एक तैयार कर दी जाती है, एक आर्ट। ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये एक तरीका का ये मैट है, ये मैट बना दिया गया है, ठीक है जी। ये तो अभी थ्रेड का है, लेकिन इसको आप देखेंगे तो ये स्ट्रॉ से भी बनाया जाता है, ठीक है, स्ट्रॉ से बनाया जाता है। इसकी आप देखेंगे आपके जो हॉट केसेस आजकल होता है, पहले इसका ही होता था, छाबा बोलते हैं उसको डोगरी में, छाबा, तो छाबे बनाए जाते हैं, इसमें फुलके रखे, रोटी रखी जाती है, ठीक है, और देन बैठने के लिए मैट्स, चटाई के तौर में इसको यूज किया जाता है। तो कई सारे आइटम्स बनाए जाते हैं, देखें यहाँ पे, जैसे कि मैट्स, कंटेनर्स, ट्रेज ऑफ वेरियस काइंड्स, बिन्ना वर्क या स्ट्रॉ वर्क ऑफ किश्तवाड़। कौन सा स्ट्रॉ यूज हो रहा है, ज्यादातर वीट का स्ट्रॉ ज्यादातर यूज होता है, और पहले तो ये हार्ड होता है, देन इसको पानी में भिगो के रखा जाता है, देन ये थोड़ा सा स्मूद हो जाता है, इसकी टहनियां मोड़ने में आसानी होती, तो अगले दिन इसको मोड़ा जाता है फिर, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, हमारे पास बसोली पेंटिंग्स ऑफ कठुआ, या फिर बसोली पेंटिंग्स ऑफ जम्मू भी बोलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर भी बोले। चलो जी, पेंटिंग्स ये बड़ी ज्यादा फेमस है इंडिया के, आज भी आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो तो उसमें एक सेगमेंट पेंटिंग्स का आता है, उसमें एक जिक्र आपको बसोली पेंटिंग्स को भी देखने को मिलता है, ठीक है जी। बिकॉज बसोली पेंटिंग्स इसलिए क्योंकि ये टाउन ऑफ बसोली से ओरिजिनेट हुआ, टाउन ऑफ बसोली से। चलो जी, ये एक पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग का स्टाइल है। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग का मतलब है मिनिएचर छोटी छोटी पेंटिंग्स जो कपड़े पे बनाई जाती है, कैनवस पे बनाई जाती है, ठीक है जी। कपड़े को ग्लू वगैरह लगा के पहले हार्ड किया जाता है, देन उसके ऊपर पेंट्स किए जाते हैं। चलो जी, दैट फ्लरिश इन इंडियन हिल स्टेट, उस टाइम पे बसोली एक स्टेट थी, 17-18 सेंचुरी में, ये आप देख सकते हैं ज्यादातर। अच्छा एक बात और समझना, बसोली पेंटिंग्स जो है थीम्स जो हैं सारे के सारे रिलीजियस होते हैं, इस पे जो पेंटिंग्स जितनी भी बनेगी ना, थीम्स इसमें कोई रामायण से लिया जाएगा, ठीक है जी, या महाभारत से लिया जाएगा, या गीत गोविंद से लिया जाएगा, ठीक है जी। गीत गोविंद, इट्स रिलेटेड टू स्टोरीज रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। चलो जी, उन्होंने क्या क्या किया, मान लो कोई भी उसका जो सीन है वो यहाँ पे डिपिक्ट किया जाएगा, दर्शाएगा। स्टाइल देखेंगे बड़े ही ब्राइट कलर्स यूज होते हैं यहाँ पे,
बसोलिंग पेंटिंग्स में आप देखेंगे रेड ग्रीन कलर के यूज होते हैं, और जितने करेक्टर्स हैं ना उनके करेक्टर्स करेक्टर्स में आप देखेंगे आपको फिश आइड करेक्टर देखने को मिलेंगे। फिश आइड ऐसे आंख होती नहीं, लड़कियां बनाती नहीं ऐसे आंख इधर से ऐसे, ठीक है, कैसे इस तरीके से फिश आइज, ठीक है। चलो तो आइज इनकी मोटी मोटी आइज इस तरीके से, फिश आइज जो है करेक्टर जितने भी इसमें रिप्रेजेंट किए जाएंगे वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये कृष्ण बैठे हैं, यहाँ पे इनकी ये दो गोपियां बैठे हैं सो कॉल्ड, जैसे हम बोलते हैं इनकी दोस्त, ठीक है। चलो ये है आपकी बसोली पेंटिंग्स। नाउ बसोली पेंटिंग्स के बाद में अभी रिसेंट आपको ये देखने को मिला होगा रजौरी से, ये आर्ट है जिसे GI टैग भी मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आर्ट, ठीक है। चिकरी वुड क्राफ्ट फ्रॉम रजौरी। चिकरी वुड क्या है भाई, लकड़ी से डिफरेंट कार्विंग, ये भी वुड कार्विंग ही है, वुड कार्विंग, कश्मीर की वुड कार्विंग तो देखी हमने, वैसे रजौरी में भी आपको ये वुड कार्विंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखते हैं इन्होंने ये कंगा बनाया है एक, ठीक है, कंगे के बाद में ये इन्होंने एक फोक बनाया है, ये इन्होंने एक नाइफ बनाया है, ठीक है जी। चिकरी वुड क्राफ्ट इज मेड बाय द फर्स्ट चूजिंग द वुड देन शेपिंग एंड कार्विंग विद वेरियस हैंड टूल्स, फाइनली सैंडिंग एंड पॉलिशिंग इट गिव इट टू ग्लॉसी स्मूथ सरफेस। ये बनाया जाता है, सिंपल सी इतनी सी बात याद कर लें, चिकरी वुड क्राफ्ट। आपको सिंपल यही सवाल पूछेगा क्योंकि रिसेंट GI टैग मिले, बोलेगा जी ये चिकरी वुड क्राफ्ट बताओ जी किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है, तो आप बोलेंगे रजौरी को बिलोंग करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट एंड क्राफ्ट्स थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।